तुलसीदास की रचना कवितावली से लिए गए छंद जो पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय चौमहला। आज हम इस अध्याय का 18वां छंद जो कवितावली रचना से लिया गया है का अध्ययन करेंगे। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलोक हूँ, रि सखी मोही सी वे मग जोग न कोमल क्यों चली हैं, सकुचाती मही पद पंकज छुए, तुलसी सुनी ग्राम वधु भितखी, पुल की तन ओ चले लोचन च्वे, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक वे, भूप के बालक राजा दशरथ के दोनों बालक यानि राम और लक्ष्मण के बारे में गाँव की औरतें ग्राम वधुएं किस प्रकार बातचीत कर रही हैं का वर्णन इसमें है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत इस छंद में, इस सवैया छंद में कवि बता रहे हैं कि वन मार्ग में जाते समय राम लक्ष्मण और सीता को ग्राम वधुएं देखती हैं, उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाती हैं और आपस में क्या बातचीत करती हैं। राम सीता लक्ष्मण को देख करके गांव की वधुएं, ग्राम वधुएं वन मार्ग में ग्राम वधुएं उनको देख करके उन पर मोहित हो करके जब आपस में बातचीत करती हैं, कैसे कहती, क्या कह रही हैं। एक ग्राम वधु किसी दूसरी से कह रही कि हे सखी, री सखी, हे सखी। बनिता यानी स्त्री नारी बनी श्यामल गौर के बीच, श्याम और श्यामल और गौर, श्याम वर्ण वाले और गौर वर्ण वाले उन दो पुरुषों के बीच में चलती हुई उस बनिता स्त्री को देखो। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, श्यामल और गौर वर्ण, श्याम वर्ण वाले राम और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण के बीच में जो ये स्त्री नारी जा रही हैं, इसको देखो, बिलोकहूँ देखो, रि सखी हे सखियों देखो, मोही सी वे, वो मुझे मोहित कर रही है, मोही सी, मोहित करने योग्य हैं, मोहित कर रही हैं, यानि मेरा मन ही मोह रही हैं, इतनी सुंदर हैं, कैसी हैं। मग जोग न कोमल, मग जोग मार्ग के योग्य नहीं है, इस वन मार्ग में चलने के योग्य वह नहीं है, क्यों चलिए, फिर वो क्यों चल रही है, ये तीनों ही इस मार्ग के योग्य नहीं लगते, इस वन मार्ग में चलने योग्य नहीं लग रहे हैं, फिर ये क्यों चल रहे हैं। सकुचाती मही, मही यानी धरती भी संकुचित हो रही है इनके कारण, पद पंकज छुए, इनके पद पंकज को छूकर, इनके चरण कमलों को छू करके यह धरती भी संकुचित हो ही जा रही है। आगे भी ग्राम वधु कह रही हैं, तुलसी सुनी ग्राम वधु बितकी, इस प्रकार की बात सुनकर, एक ग्राम वधु की इस प्रकार की बात सुनकर के सारी ग्राम वधुएं ही बितकी, बितकी यानी मोहित हो गई, उन पर राम सीता लक्ष्मण पर मोहित हो गई और रोमांचित हो गई, पुल की तन उनका शरीर रोमांचित हो गया, और चले लोचन चुए, उनके लोचन चूने लगे यानी उनकी आँखों से आंसू आ गए। ग्राम वधु की इस प्रकार की बातें सुनकर के वे सभी दूसरी जो ग्राम वधुएं वो मोहित हो गई, रोमांचित हो गई और उनकी आँखों से आंसू आ गए। वे कहने लगी सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप हैं बालक, भूप के बालक दे, वे क्या कहने लगी कि राजा दशरथ के ये दोनों बालक मनोहर हैं, मन को मोहने वाले हैं, सुंदर हैं, मोहन रूप हैं, मोहित करने वाले, सुंदर और आकर्षक रूप वाले हैं,
सब भांति यानी सब प्रकार से मनोहर, मन को मोहने वाले, मोहन रूप, सुंदर रूप के हैं, अनूप हैं, अनुपम हैं, भूप के बालक हैं। ये दोनों ही बालक जो हैं, राजा दशरथ के दोनों बालक राम और लक्ष्मण, बहुत सुंदर और आकर्षक रूप वाले हैं, अनुपम हैं। तो वन मार्ग में राम सीता लक्ष्मण को जाते हुए जब ग्राम वधुओं ने देखा तो उनके सौंदर्य पर वो मोहित हो गई और उनको दुख भी हुआ कि ये कोमल शरीर वाले इस कठिन वन मार्ग में क्यों चल रहे हैं, यानी उनमें जो सहृदयता है, जो सहानुभूति का भाव है, वह उमड़ आया है। अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। छंद की गति यति गेयता उचित हैं। धन्यवाद।